उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। राजनीतिक दल के नेता चुनावी कार्यक्रम कर जनता के बीच अपनी पार्टी का प्रचार करते नजर आ रहे हैं और इनके द्वारा किए गए कामों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में लूनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी एक कार्यक्रम में लोगों के सामने अपने कामों को बताया। दरअसल लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और ब्लॉक प्रमुख कोमल गुर्जर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं पर जगह जगह फूलों की वर्षा की गई और नोटों की माला और पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि लोनी के 18 लाख जनता ही उनकी ताकत है, जिसके बलबूते पर ही वे लखनऊ विधानसभा में विकास कार्य के लिए लड़ जाते हैं। विधायक ने बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा को अपनी प्रमुखता बताते हुए लोनी को हाईटेक बनाने की बात कही। तो लोनी को हम लोग आदर्श विधानसभा बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, हमारा 90% संकल्प पूरा हो चुका है। केवल 10% बचा है, जिसमें 700 करोड़ से जल का काम चल रहा है और जो नगर पालिका द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपए के काम को रोका गया पिछले एक साल से, उसके लिए भी हमने अधिकारियों से बोल दिया है कि सारे के सारे काम को इमीडिएट शुरू कराएँ, अन्यथा मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी भी कीमत पर जनता के हितों से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लोनी के अंदर हम लोग केवल सड़कों की बात कर रहे हैं, जल भराव की बात कर रहे हैं। 74 साल में केवल हम सड़कों की बात करते रहे। हम लोनी को हाई टेक सिटी बनाएंगे। ये तमाम जगह जहां पैसा रुका है लोनी के विकास के लिए हम लोग लगाने का काम करेंगे और आपको दिखाई देगा कि अगर कोरोना ना होता तो अब तक लोनी आदर्श विधानसभा बन जाती और आने वाले समय में लंदन जैसी तर्ज पर हम लोग इसको डेवलप करते, लेकिन बहुत जल्दी उस काम को भी हम पूरा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टीज इस वक्त चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। पार्टीज के नेता छोटे बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से ही जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।